बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमें सिस्टम्स लिमिटेड जो आईटी सेक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है उसके बारे में आप लोगों को काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। प्लस आप लोगों के साथ 7 सितंबर 2020 का मार्केट वॉच डिस्कस करूंगा और आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पे जा सकती है वो आप लोगों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए, जरूर इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। पिछले काफी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे कि जब का कोविड-19 आया है, काफी सारी कंपनीज अपने एम्प्लाइज को अलाउ कर रही है कि वो घर से काम करें, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ गई है, इंटरनेट का यूजेज काफी ज्यादा बढ़ गया और पाकिस्तान में उसी तरह से उसका इंपैक्ट आया और 15% पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट यूजेज बढ़ा है। इट्स मीन के जो आईटी सेक्टर की डिमांड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है कोविड-19 के बाद और ये वाइड सेक्टर है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है कोरोना वायरस की वजह से। तो अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान में 22% एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई है कोविड-19 के पीरियड के दौरान और इस साल के दौरान अगर आप लोग देखेंगे तो 22% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई है आईटी सेक्टर की। और प्लस जो एक फायदा हुआ है आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को वो रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रुपी डेप्रिसिएट होने की वजह से एक्सपोर्ट्स में क्या इंपैक्ट आता है, जो पॉजिटिव इंपैक्ट आता है वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। जिस टाइम रुपी डेप्रिसिएट होता है जो अमाउंट आप लोग बायर से ले रहे होते हैं अपनी चीजें सेल करके वो बढ़ जाती है। जिस तरह के लेट्स सपोज आज डॉलर 165 का है और जिस टाइम आप लोग बायर से डॉलर लेते हैं, यानी कि जिस टाइम आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज सेल करते हैं और आप लोगों को डॉलर में उसकी पेमेंट आती है, तो वो डॉलर जिस टाइम रुपी में कन्वर्ट होगा और रुपी डेप्रिसिएट हो जाएगा 165 से 170 तक। तो जब आप पहले 16,500 ले रहे थे $100 का, तो जब आप डेप्रिसिएट हो जाएगा रुपी तो आप 17,000 रुपए की अमाउंट लेंगे। इट्स मीन के जो रेवेन्यू है वो एक्सचेंज रेट की वजह से इंक्रीज हो जाता है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है एक्सपोर्ट्स की वजह से सेक्टर्स के ऊपर जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को रुपी की डेप्रिसिएशन की समझ आई होगी। और जिस तरह से पाकिस्तान का आईटी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म किया उसने कोविड-19 के दौरान और काफी अच्छी कंपनीज ने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया इस कोविड-19 में, इस साल के स्टार्ट से लेके अब तक 22% का इंक्रीज आया है। तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने की वजह से आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा पैसा देखा गया। इसी तरह से एक कंपनी है सिस्टम्स लिमिटेड, अगर आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि पिछले काफी दिनों से सिस्टम्स लिमिटेड के जो स्टॉक प्राइस है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज देखा जा रहा है। अब इसको फैक्ट्स के साथ चेक करने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से इसमें इंक्रीज आ रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो सिस्टम्स लिमिटेड है इसका जो टोटल रेवेन्यू की अमाउंट है उसका 80% वो एक्सपोर्ट से हासिल कर रहे हैं और इसको एक तो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की इंक्रीज हुई है, बाहर की मार्केट से यूएस मार्केट से यूरोपियन मार्केट से कोरोना वायरस की वजह से डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से इनका एक तो रेवेन्यू इस वजह से भी बढ़ा है, प्लस जो रुपी डेप्रिसिएट हुआ है रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से इनका जो रेवेन्यू की अमाउंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो इसमें जो इसका रेवेन्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो इसमें देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिस्टम्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से जिस टाइम ये डाटा रिलीज हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट अदारों की तरफ से कि आईटी की एक्सपोर्ट्स 22% इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से सिस्टम्स लिमिटेड की सबसे बड़ी जो फिगर है एक्सपोर्ट की वो सिस्टम्स लिमिटेड की है। तो आप लोगों ने देखा है कि एकदम इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग देखेंगे सिस्टम्स लिमिटेड से काफी सारे इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा पैसा बनाया पिछले काफी टाइम में। तो मैं एक्सपेक्ट यही कह रहा हूं कि ये जो सिस्टम्स लिमिटेड है ये आगे भी चल के आप लोगों को प्रॉफिट्स दे सकती है, क्योंकि इस कंपनी पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है। फिर उसके बाद इसको मजीद डिटेल में देखते हैं, जो सिस्टम्स लिमिटेड है वो ज्यादा फोकस कर रही है यूएस की मार्केट में, जो डॉलर यूज करता है डॉलर के थ्रू इनको पेमेंट्स होती है, फिर ये लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो रुपी डेप्रिसिएट होने की वजह से इस वजह से भी अमाउंट बढ़ती है, प्लस जो यूएस की मार्केट है वहां पर काफी ज्यादा डिमांड इंक्रीज हुई है आईटी सेक्टर की, जिसकी वजह से इस कंपनी ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। प्लस ये अभी एम कर रही है, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है सिस्टम्स लिमिटेड से रिलेटेड तो मैंने आप लोगों को क्लियरली वहां पे बताया था कि ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, यूरोपियन कंट्रीज में लेकर जाना चाह रही है, तो ये एक्सपेंशन मुमकिन हो सकती है आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी एक्सपेंड करके अपने जो रेवेन्यूज हैं अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको इंक्रीज करके कंपनी का साइज काफी ज्यादा
ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। और आने वाले दिनों में इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से एक रैली चलती हुई आ रही है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर जो फंडामेंटल्स पर इम्पैक्ट पड़ता है जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के थ्रू, वो आप लोगों को ज़रूर समझ आ रही होगी इस कंपनी को अगर आप लोग डीपली समझेंगे। और ये आर्टिकल लाजमी पढ़िएगा, मैं इसका लिंक लाजमी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी जो ब्रीफली मैंने आप लोगों को रुपी डेप्रिसिएशन का जो इंपैक्ट आया है आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने के ऊपर और सिस्टम्स लिमिटेड ने किस तरह से इससे फायदा उठाया, आप लोगों को जरूर समझ आई होगी और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ होगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिजनेस न्यूज को लाजमी पढ़ा कीजिए, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है जो स्टॉक्स की प्राइसिस पे इंपैक्ट कर रही होती है, सेक्टर वाइज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को टाइमली इसी तरह से न्यूज देता रहूं। अब जल्दी से चलते हैं 7 सितंबर 2020 के मार्केट वॉच की तरफ और देखते हैं कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कैसा परफॉर्म किया। और इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आने वाले दिनों में मार्केट कहां पे जा सकती है। तो आज आप लोग देख सकते हैं कि आज 272 पॉइंट्स केएसई 100 इंडेक्स में इंक्रीज देखा गया और केएसई 100 इंडेक्स 42,295 तक पहुंच चुका है। इट्स मीन के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखे जा रहे हैं पिछले काफी दिनों से। और आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूं कि आने वाले दिनों में मार्केट कहां पे जा सकती है। तो सबसे पहले मार्केट वॉच की तरफ देख लेते हैं, काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, इसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, तो जरूर इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। तो ब्रीफली इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों ने न्यूज में सुनी होगी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कराची पैकेज अनाउंस किया है, 1100 अरब का, बहुत बड़ा पैकेज है, तारीख में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पैकेज कराची को मिला है। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा वापस आया है और आप लोगों ने देखा है कि वॉल्यूम्स काफी ज्यादा अच्छे देखे जा रहे हैं पिछले काफी टाइम से। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो अगर सेक्टर वाइज बात की जाए और कंपनीज की ट्रेडिंग की बात की जाए तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 434 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 273 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज देखा गया, 134 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखा गया और 27 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से आज नेट बाइंग हुई है और आप लोगों को जैसा कि पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया की बेस्ट मार्केट का टाइटल विन किया है, फिर उसके बाद ग्लोबली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फोर्थ बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में आई है। तो आप लोगों ने देखा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, तो आज उन्होंने नेट बाइंग की है 12.5 मिलियन रुपीज की। तो इट्स मीन के इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे वापस आ रहा है, जो लोकल इन्वेस्टर है जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे होने की वजह से आप लोगों ने देखा है कि उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले काफी टाइम से, प्लस जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया था और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी जो गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज अनाउंस हुआ था फर्टिलाइजर सेक्टर में भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया था। तो इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इकोनॉमी के रिवाइवल में और उसका इंपैक्ट आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर्स में देख रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, फार्मा सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छे प्रॉफिट्स इसमें से बुक भी किए हैं और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, फार्मा सेक्टर और प्लस फर्टिलाइजर सेक्टर, आगे चल के मैं बताता हूं कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने आज क्यों अच्छा परफॉर्म किया है, इनमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा देखा गया है। जो सेक्टर डाउन हुआ है आज के दिन में, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं कि ऑयल सेक्टर में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने में आ रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में और इसकी प्राइसेस उस तरह से ऊपर नहीं जा रही जिस तरह से एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा दुनिया में बढ़ चुकी हैं और उस तरह से डिमांड नहीं बढ़ रही जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो आज अगेन अगर देखा जाए तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर जो ऑयल का है उसमें काफी ज्यादा डिक्रीज देखा गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है, जिसका इंपैक्ट आप लोगों ने देखा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑयल सेक्टर में। तो मैं हमेशा से ये चीज आप लोगों को फर्स्ट डे से बताता हुआ आ रहा हूं कि किस तरह से ऑयल सेक्टर, जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज का सेक्टर है, वो किस तरह से इंपैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन की वजह से। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने आज क्यों अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जीआईडीसी केस का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आप लोगों ने देखा था कि फर्टिलाइजर सेक्टर काफी ज्यादा डाउन हो गया था क्योंकि उन कंपनीज की लायबिलिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद और आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे
कि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप लोगों ने फर्टिलाइजर सेक्टर में देखा था, जिसकी वजह यह है कि जो अमाउंट 412 अरब 415 अरब की थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लाइबिलिटी मिली थी इन कंपनीज को, तो उसमें सबसे बड़ी जो फिगर थी वो फर्टिलाइजर सेक्टर की थी। और अभी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डेफर कर सकती है ये जो अमाउंट लाइबिलिटी की है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि आज फर्टिलाइजर सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए समझना कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर रही होती है। तो ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इन चीज़ों को ज़रूर समझा कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स की फ्लक्चुएशन में। अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया सीमेंट सेक्टर में, फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में, और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में। और टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी अगेन मैं एक सेक्टर अपनी जो लिस्ट है मैं उसमें इंक्रीज करूंगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर आप लोगों को आने वाले दिनों में अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। जैसा कि मैं हमेशा से रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं कि सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर, ये सेक्टर्स आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस फर्टिलाइजर सेक्टर वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो अभी न्यू इंक्लूजन मैंने की है अपनी जो लिस्ट है, मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आप लोगों को बताया था कि टेक्नोलॉजी की डिमांड जो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और जिस तरह के इस वीडियो के स्टार्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आईटी सेक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज की तरफ जा सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि आने वाले दिनों में मार्केट कहां पर जा सकती है और कौन कौन से सेक्टर्स में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये जो रैली चली हुई है, इंक्रीज आ रहा है KSE 100 इंडेक्स में, ये कंटिन्यू रह सकता है और आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके दरमियान काफ़ी सारी डिप्स भी आ सकती हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो आने वाले दिनों में जो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मजीद इंक्रीज की तरफ जा सकती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अभी तक हाई है। और जो सेक्टर्स में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा उसमें अगेन सीमेंट सेक्टर है, वो मैं काफी टाइम से आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं कि सीमेंट सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में भी आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। फिर उसके बाद स्टील सेक्टर, अगेन मैंने आप लोगों को पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान का हमेशा से अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। फिर उसके बाद कंज्यूमर सेक्टर। तो ये चार सेक्टर्स ऐसे हैं जो आप लोगों को आने वाले दिनों में अच्छे प्रॉफिट्स दे सकते हैं, प्लस KSE 100 इंडेक्स में जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है काफी ज्यादा हाई है आजकल के दिनों में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है वो नेट बाइंग में कन्वर्ट हो चुकी है, जो पिछले काफी टाइम से कपल ऑफ इयर्स में अगर आप लोग देखेंगे तो नेट सेलिंग हो रही थी उनकी तरफ से काफी ज्यादा, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से नेट बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। इट्स मीन के फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आ रहा है और आने वाले दिनों में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स मजीद इंक्रीज की तरफ जा सकता है। तो ये जो चार सेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इनमें रह के काम कीजिए, जरूर इंशाल्लाह आप लोगों को इन सेक्टर्स में काम करके फायदा होगा और आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो से फायदा हुआ होगा। तो इसी तरह से देखते रहिए, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि डेली आप लोगों को ऐसी न्यूज़ देता रहूं जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।